कहते हैं जिस राजनीतिक दल ने मालवा निमाड़ जीत लिया उसने पूरा मध्य प्रदेश जीत लिया, इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस मालवा निमाड़ के 66 सीटों पर है। मालवा और निमाड़ को साधने के लिए नीमच और खंडवा से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। नीमच से आज बीजेपी के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जन आशीर्वाद यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दशहरा मैदान से इस कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंशुल मुकाते ने। नीमच से निकालने जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर तैयारियां जो हैं वो अब अंतिम चरण में हैं। हम फिलहाल नीमच के उस स्थान पर खड़े हैं जहां से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो जन आशीर्वाद यात्रा की यहाँ से शुरुआत करेंगे। हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो इस जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्राओं में यह यात्रा सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मालवा क्षेत्र में यह यात्रा निकाली जा रही है जिस पर बीजेपी का खास ध्यान है। फिलहाल हम आपको बता दें कि नीमच में जिस स्थान पर यह यात्रा निकाली जा रही है वहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरा कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ बीजेपी के मौजूद हैं। सब किस तरह की यात्रा की शुरुआत की जा रही है? ये जो मध्य प्रदेश में जो 5 यात्राएं निकलेगी उस 5 यात्राओं में से यात्रा क्रमांक 4 है, जन आशीर्वाद यात्रा की 4 है जो कि मंदसौर से प्रारंभ हो रही है। क्या खास रहने वाला है यात्रा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल में जन आशीर्वाद यात्रा हमेशा निकाली रही है। अपने जो कार्य विकास के किए उन कार्यों के प्रति जनता के बीच में जाना, अपने कार्यों को प्रस्तुत करना और जनता की बातें सुनना, ये काम आज तक अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पर कितने कार्यकर्ता जो हैं इस यात्रा में, आज इस जनसभा में जो हैं शामिल हो रही? देखिए, कार्यकर्ता तो जो है वो है, लेकिन अपने आप में ये जन अभियान हो गया है। जनता खुद आगे बढ़ के इस यात्रा का स्वागत करने को आतुर है। तो जन अभियान है, जनता आगे होकर कहीं ना कहीं इस यात्रा का स्वागत करने के लिए आतुर है। तो कहीं ना कहीं जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसका आगाज मालवा इलाके में आज से कर दिया जाएगा और नीमच से इस यात्रा का शुभारंभ जो है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कर देंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 नीमच।